मेरी बैक साइड पे ये जो घर देख रही हैं, ये बेसिकली सी कैटेगरी है। आपको हमने बताया था सी कैटेगरी सबसे छोटे घर हैं यहाँ पे, 120 गज वाले। साइड पे ये जो घर देख रही हैं, ये बेसिकली सी कैटेगरी है। आपको हमने बताया था सी कैटेगरी सबसे छोटे घर हैं यहाँ पे, 120 गज वाले। बी कैटेगरी बताया था आपको, 180 गज वाले। और ए कैटेगरी का हमने आपको बताया था कि सबसे बड़े घर हैं 240 गज वाले। तो चलिए, आज अभी काफ़ी दोस्तों ने बोला कि 120 गज वाले घर का भी हमें विज़िट करवाएं, तो आज चलते हैं, अभी 120 गज वाले घर के बारे में बताते हैं और आपको चल के दिखाते हैं प्रॉपर। तो आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, तो ये अभी आपको सी टाइप घर दिखा रहे हैं, 120 गज़ वाले। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि किसी भी टाउन में बेसिक तीन चीज़ें, गैस, बिजली, पानी का होना ज़रूरी है। तो ये देख लें, गैस का मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली भी आ चुकी है और पानी का भी प्रॉपर बंदोबस्त है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये अभी हम लोग अंदर इंटर हो रहे हैं। तो ये देख लें कि कितना बड़ा जो है ना गैराज है। आप यहाँ पे गाड़ी इजीली खड़ी कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी भी अगर हो आपके पास तो आप इजीली यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ये देख लें जी, वाटर स्टोरेज टैंक जो है नीचे, बहुत बड़ा जो है टैंक दिया हुआ है ये। और ये वाली जगह है काफ़ी सीढ़ी के नीचे जो है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह या जो भी है वो भी आप लगा सकते हैं। और ये साथ ही गेट से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं छत, आपको बाद में दिखाते हैं, पहले हम चलते हैं अंदर। आपको एक और चीज़ भी बता दें कि जैसे हम गेट से इंटर हुए हैं, तो ये देख लें, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा यहाँ से भी दिया हुआ गेट से, ठीक है जी। तो अभी हम आगे चलते हैं, मेन दरवाज़े से एंटर होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये जी मेन दरवाज़ा है, ये आप देख लें, ये समझे आपका टीवी लॉन्च हो गया, ठीक है जी। इसके साथ ही जो है ना, ये वाला आपका किचन है, और किचन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, देख लें आप, किचन प्रॉपर जो है ना मैनेज किया गया है। इवन इसके ये देखें, ऊपर भी जो है ना ये कबर्ड्स वगैरह दी गई हैं। ये देख लें, किचन चूल्हा वगैरह हर चीज़ फिट की गई है, और डिज़ाइनिंग वगैरह चेक करें, बहुत ही प्यारा है किचन। तो ये किचन है, इसके साथ ही ये आपको हमने बताया कि ये टीवी लॉन्च है, और मज़े की चीज़ ये इसको आप कह लें कि ड्राइंग रूम। ये देखें जी, ड्राइंग रूम भी बहुत बड़ा है, और ये वो खिड़की है जो बाहर से नज़र आ रही है। तो आपको एक और चीज़ भी बताते चलें कि जो हमने आपको 180 गज़ वाला घर दिखाया था, उसमें एक चीज़ ये थी कि जो ड्राइंग रूम था उसके साथ भी अटैच बाथ था, जबकि ये जो 120 गज़ वाले घर हैं, इसमें ये एक मेन डिफरेंस है कि आपका जो ड्राइंग रूम है उसके साथ अटैच बाथ नहीं है। तो ये आपका टीवी लॉन्च हो गया, उसके बाद ये इधर आपको किचन दिखाया था, और किचन यहीं से ही दोनों रूम्स के जो है ना वो दरवाजे हैं। पहले इस रूम में चलते हैं, आ जाएँ जी इस रूम में, ये देख लें ये रूम। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे बी टाइप में तो था ना कि हर रूम में कबर्ड्स वगैरह भी लगी हुई थी, तो यहाँ पे नहीं है। बाकी आप देख लें, ये वॉशरूम, ये इसमें यही है कि दोनों रूम के साथ अटैच बाथ हैं, बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे ही हैं। तो जी वापस आ जाते हैं, अब ये इस रूम के साथ, ये देखें पीछे गैलरी दी हुई है बैक साइड पे, वो हम आते हैं गैलरी वाली साइड पे भी। तो एक रूम ये हो गया, और अब आ जाएं जी इस दूसरे रूम में चलते हैं हम, ये वाला रूम हो गया। हाँ, अब इस रूम में जो है ना, आप देख लें कि एक रूम में जो है ना कबर्ड्स वगैरह दी हुई हैं, अलमारियाँ, ये आप देख सकते हैं, तीन अलमारियाँ हैं, ठीक है जी। तो जबकि हमने आपको बी टाइप में दिखाया था कि
दोनों रूम्स में जो अटैच बाथ तो तीनों में थे, ड्राइंग रूम में भी अटैच बाथ था, और दो जो रूम थे बाकी बेडरूम कह लें उनमें भी अटैच बाथ था। लेकिन इसमें एक तो ये है कि वो जो ड्राइंग रूम है उसके साथ अटैच बाथ नहीं है, और नंबर दो इसके जो दो बेडरूम है उनमें से एक में नहीं है कबर्ड्स वगैरह, जबकि एक के साथ हैं। तो ये अब इसका अटैच वॉश भी देख लें आप, ये आगे जो अटैच बाथरूम है इसका, एक वाले में जो है ना फ्लश लगा हुआ था और एक में कमोड है। और इसके साथ आपको बताया था कि इसका पीछे थोड़ी सी जो है ना जगह दी है ओपन, ये इस रूम से दरवाज़ा आ रहा है, और ये वाली जनाब ओपन जगह है ये। तो ये वाला घर हो गया जनाब 120 गज़ वाला, आपको हमने सारा दिखा दिया, किचन भी। अभी हम आपको जल्दी जल्दी एंड में जाके ऊपर छत भी दिखा दें। जब आपको बताया था गेट से जैसे इंटर होते हैं ये साथ ही सीढ़ी हैं, ये हम लोग जनाब अब सीढ़ियाँ ऊपर जा रहे हैं। तो ये अभी हम लोग छत पे आ गए हैं, ये देख लें जी ये छत पे आ गए हैं हम लोग अभी। और इसकी वो वाटर टैंकी मौजूद है, टैंकी का साइज़ उतना ही है जितना हमने आपको दिखाया था बी टाइप घर में। लेकिन आपको बी टाइप घर में आपको याद होगा हम जब ऊपर सीढ़ियों पे गए थे छोटा सा कमरा भी था, तो यहाँ पे वो रूम नहीं है। तो ये है जी 120 गज़ का घर, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो अगर कोई और वीडियो आप चाहते हैं नेवल सोसाइटी से रिलेटेड तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, तो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये जो घर दिखाए हैं ये रेंट पे भी मिल सकते हैं, और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो भी। रेंट की बात करें तो तकरीबन 12,000 में आपको ये घर मिल जाएगा, और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 53 लाख में ये घर आपको मिल जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए हुए नंबर पे रابطہ कर सकते हैं।